हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुस्टुपा। जैसा कि हम लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी का अपना 39 डेज का सीरीज ऑनगोइंग प्रोसेस में चलाया हुआ है, सो आज का डे है डे 26, जिसमें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, सो आज का दिन हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को कंप्लीट कर लेंगे और ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाएंगे, राइट। सो मेरे चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डेफिनेटली लाइक कीजिएगा और मैक्सिमम पीपल के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग के साथ काम करने का मजा ही और कुछ है और कंपटीशन करने का मजा कुछ और है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, दैट इज डे 26 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। नाउ सी, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने जैसा कि बताया कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आ रहा हूं। सो एनटीपीसी आरआरबी के लिए जो ये क्वेश्चन सीरीज होंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इन्हीं क्वेश्चंस को मैक्सिमम टाइम रिवाइज करते रहिए और बार बार करते रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आपके मन में आती है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिखिएगा, मैं आपको आपका जवाब जरूर दूंगा, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सीरीज को। आज का पहला क्वेश्चन है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपल फॉर्मूला खोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राइट माइनस 2ab, ठीक है, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने पुट अप कर दिया। ऐसे ही इस पे भी, यहां पे भी फॉर्मूला लगा देंगे, दैट कम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab राइट। एक जगह a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है और एक जगह ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ये आ गया आपके पास, ये माइनस और प्लस कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट कम्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसी साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट कम्स टू साइन स्क्वायर थीटा, टू टू कॉमन ले लिया, ये टू और ये टू हमने कॉमन आउट ले लिया, सो इट कम्स cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ओके, एंड दिस मींस वन। अभी मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी ये बताई हुई है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू है वन, जो कि हमें आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसीलिए सारी आइडेंटिटीज को आप अच्छे से याद कर ले, लर्न कर ले ट्रिग्नोमेट्री के और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के सारे फॉर्मूलाज आप लर्न कर ले, तो इट्स विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। टू इज योर आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछे जाते हैं एनटीपीसी आरआरबी में, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इन्हीं पैटर्न में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सारे ही क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक पूछे भी गए हैं एंड आगे भी पूछे जाएंगे, सो इट्स बेटर कि आप इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कीजिए, ओके। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नाउ सी, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, x equals to a sin theta, ये आपको दिया गया है, ठीक है, और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, a square upon x square find out करना है। कॉन्सेप्ट को समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो इट कम्स, व्हाट इट कम्स 1 अपॉन sin theta is equals to a upon x, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ कर लेते हैं, तो स्क्वायरिंग करने पे ये आ जाएगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, यू गॉट माय पॉइंट। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे जो फाइंड आउट करना है वो करना है, देखिए ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ ना ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, यू गॉट माय पॉइंट। ठीक इसी तरीके से अगर मैं ये वाला पार्ट देखूं, तो इस वाले पार्ट में भी ठीक ऐसे ही अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं, तो इट कम्स 1 अपॉन टेन थीटा is equals to b upon में y। Now अगर मैं यहाँ पे भी squaring कर लूँ, ठीक इसी तरीके से, तो आपके पास आ जाता है 1 upon में tan square theta is equals to b square upon y square, ठीक है, ये आ गया हमारे पास दूसरा पार्ट, जो कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। बस अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को प्लेस कर देना है, तो यहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं, सो इट कम्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा,
यानी कि हमने क्या किया, हमने बस यहां से जो है ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो कि यहां पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है उसे यहां पे पुट अप कर दिया, और माइनस में बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है यहां पे 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा है उसे हमने यहां पे पुट अप कर दिया। बस इसे सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा, यानी कि 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में इट कम्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो इसे आगे हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये रेसिप्रोकल होके कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, ये रेसिप्रोकल होके कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चले जाएगा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा नीचे आ जाएगा, ठीक है। सो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा आ गया, कैंसिल होके इक्वल टू 1 हमारे पास आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। यू गॉट माय पॉइंट। तो हमने बस बेसिक चीज क्या किया है, हमने यहां पे ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और उसे हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, यहाँ पे हमने शो कर दिया इसको, इसको सॉल्व करते गए, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा जो कि हमने लगा दिया, और यहाँ पे जो है एलसीएम लेने के बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आता है जिसकी वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, सिंप्लीफाई करके काट दिया तो कम्स 1 एंड 1 हमारा आंसर बन गया, ठीक है। मैंने पूरे कॉन्सेप्ट को बता दिया, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आ गई। चलिए सी दिस क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं और ये पूछा जाता है, और ये एक यूनिक क्वेश्चन है जो कि जब पूछा जाता है तो एज इट इज पूछा जाता है, बस इसका कॉन्सेप्ट क्या है उस बात को आप याद रखिए, ये जो माइनस में 1 लिखा हुआ यही इसका कॉन्सेप्ट है, यही से हमें जो है क्वेश्चन को पकड़ना है, इसकी वैल्यू होती है सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, यानी सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हम 1 की जगह इस 1 की जगह पुट अप कर सकते हैं, तो बस यही इसका कॉन्सेप्ट था, अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ आप देखिए कैसे सॉल्व होगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा राइट माइनस, अब इस 1 की जगह हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ओके, और बाकी नीचे का एज इट इज आ जाएगा। सो नीचे लिखा हुआ है टेन थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, ये आ गया एज इट इज। अब देखिए ये जो पार्ट लिखा हुआ है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भी तो लिखा हुआ है, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, देखा जाए तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं sec थीटा प्लस tan थीटा इनटू में sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है ना, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए यहां पे टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यहां पे टेन थीटा प्लस सेक थीटा, तो इन दोनों को मैं कॉमन आउट ले सकता हूं, इन दोनों को, तो अगर मैं ये कॉमन आउट ले लेता हूं तो इट कम्स टेन थीटा प्लस सेक थीटा, मैंने कॉमन आउट ले लिया, ठीक है, तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, यहां तो कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि ये पूरा बाहर आ गया है, सो इट कम्स 1 ओके माइनस, यहां पे कितना बचेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बचेगा क्योंकि प्लस वाला तो हम कॉमन आउट ले चुके हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हमें बचेगा ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यू गॉट माय पॉइंट, बाकी सेम टू सेम हम जो है पुट अप कर देंगे बाकी वाले पार्ट को, यानी डिनोमिनेटर को एज इट इज हम लोग पुट अप कर देंगे, ये आ गया हमारे पास लाइक दिस, ठीक है। अब जो है इसे आगे लिखेंगे हम लोग तो ये बन जाता हमारे पास सी टेन थीटा प्लस sec थीटा, और इस पार्ट को हम कैसे लिखेंगे, इस पार्ट को हम कैसे लिखेंगे, सी यहां पे माइनस से इसे ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, मैं एक एक पार्ट एक एक कॉन्सेप्ट को बता रहा हूं यहां पे, सो ये माइनस में आ जाएगा और ये जो है आपका माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यानी कि ये जो है आपके पास प्लस tan थीटा बन जाएगा, ठीक है, अपॉन में लिखा हुआ है आपके पास, अपॉन में आपके पास क्या लिखा हुआ है
टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, यही लिखा हुआ हमारे पास। अब देखिए ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, सेम लिखा हुआ, देखिए वन माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, वन माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, आगे पीछे बट साइन सेम है, साइन सेम है तो कैंसिल हो सकता है, थ्री ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। नाउ हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बच गया है ओनली टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा। अब क्योंकि ऑप्शन देखिए, आप ऑप्शन को देखिए, सभी साइन कॉस में दिए हुए हैं, ठीक है, तो हमें भी क्वेश्चन को साइन कॉस में चेंज करना पड़ेगा। तो टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके, प्लस सेक थीटा होता है वन अपॉन में कॉस थीटा, ओके। सो एलसीएम ले लिया मैंने, दैट कम्स कॉस थीटा, सो ऊपर आ जाएगा मेरे पास साइन थीटा प्लस वन, इसका मतलब मेरे पास ये जो है ये आंसर आ जाता है, ये मेरे पास आंसर आ जाता है जो कि है ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट में लिखा हुआ है वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारे पास करेक्ट आंसर बन गया। यू गॉट माई पॉइंट, मैं समझता हूँ आपको ये बात पूरी समझ में आ गई होगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके एनटीपीसी आरआरबी के लिए। तो क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट टू इंटू साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए अच्छे से कि साइन 90 माइनस थीटा, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताई है, जिन्होंने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है एनटीपीसी आरआरबी के लिए, मैंने ईच एंड एवरी टॉपिक के ऊपर सीरियल वाइज सारे चैप्टर्स के वीडियोस अपलोड लगभग कर दिए हैं, और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ईच एंड एवरी टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। यही क्वेश्चंस एग्जाम में आगे पीछे करके आपसे पूछे जाते हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी मेरे यहाँ से कर सकते हैं। अगर कोई डाउट या कोई भी क्वेरी आपके मन में है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप डेफिनेटली लिखिएगा, मैं आपकी क्वेरी भी दूर कराऊंगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया है, तो उसमें भी आप देखिए ये बताया साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो उस हिसाब से ये वाला पार्ट जो है आपके पास कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा। सो दैट मींस कि ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू रूट टू, दैट कम्स कॉस थीटा, ओके। अब मैं क्या करूंगा, सभी को डिवाइड ऑल बाय, डिवाइड ऑल बाय, मैं पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं तभी लिख रहा हूं, साइन थीटा से सभी को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए एक एक स्टेप मैं करके दे रहा हूं, जब आपको समझ में आ जाए तो आप डायरेक्ट इसे कर लीजिएगा, ठीक है। आप ही के लिए मैं एक एक स्टेप करके दे रहा हूं, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है या जिनको नहीं आता है, एटलीस्ट उनको भी मदद के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, तो मैं कर ही रहा हूं, आप मेरे साथ चलते रहिए, ठीक है। और जिनको आता है वो इन क्वेश्चंस को अच्छे से शॉर्टली रिवाइज कर ले, राइट। तो ये तो हो जाएगा वन, और ये हो जाएगा देखिए कॉस थीटा प्लस अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा, और हमें यहाँ पे कॉट थीटा ही फाइंड आउट करना है, इसीलिए मैंने इसे डिवाइड बाई साइन थीटा किया, ये बन गया कॉट थीटा, और ये भी बन जाएगा कॉट थीटा, इट कम्स कॉट थीटा। अब कॉट थीटा को कॉट थीटा के पास ले आएंगे तो यहाँ पे वन इक्वल टू रूट टू कॉट थीटा माइनस, इधर आके ये माइनस में हो जाएगा कॉट थीटा। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों में से हम लोग कॉट थीटा कॉमन आउट ले लेंगे, तो कॉमन ले लेंगे हमारे पास अंदर आ जाता है रूट टू माइनस वन, ये आ जाता है। तो इसे अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये आ जाएगा मेरे पास वन अपॉन में अंडर रूट टू माइनस वन इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, ये आ जाता मेरे पास। अब आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, तो अब हम इसे कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे हम इसे रैशनलाइज कर लेंगे, राइट, यहाँ पे हम इसे रैशनलाइज कर लेंगे। तो रैशनलाइज करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वन अपॉन में रूट टू माइनस वन इंटू रूट टू प्लस वन अपॉन में रूट टू प्लस वन, ये हमने डिनोमिनेटर से रैशनलाइज कर लिया, राइट। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास देखिए रूट टू का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर जो है एज इट इज आ जाएगा, वन से मल्टीप्लाई करने पे रूट टू प्लस वन इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, बस। तो हमारे पास रह क्या गया, रूट टू प्लस वन अपॉन में ये स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो गया, तो बच गया टू माइनस वन, दैट गिव्स अस कॉट थीटा, देयरफोर कॉट थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है रूट टू प्लस वन, क्योंकि नीचे इसकी वैल्यू जो है टू माइनस वन इज वन,
तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो इट कम्स रूट टू प्लस वन आवर आंसर, यही हमारे पास आंसर बन जाता है रूट टू प्लस वन। इसका मतलब देखा जाए तो ऑप्शन फोर हमारा करेक्ट आंसर है। राइट, समझ गए बात को, इट्स वेरी सिंपल, मैंने पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताया। जिनको आता है कॉन्सेप्ट वो डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर ले, और जिनको नहीं आता वो डेफिनेटली यहाँ से ईच एंड एवरी बात को समझ ले। कोई भी डाउट हो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। नाउ सी द क्वेश्चन, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आरआरबी एनटीपीसी में ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, टेन पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू इक्वल टू रूट थ्री दिया हुआ है, और हमें निकालना कॉस थीटा की वैल्यू। अब पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई टू मीन्स 90 होता है, ठीक है, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 180, यानी कि पाई बाई टू इज इक्वल टू होता है 90, राइट, बिकॉज पाई की वैल्यू होती है 180, 180 बाई टू मीन्स 90, मैं पूरे कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ, ठीक है। सो इट कम्स टेन 90 माइनस थीटा, यानी कि थीटा बाई टू इज इक्वल टू, और इस रूट थ्री की वैल्यू टेन में क्या होती है, इट कम्स टेन 60, बिकॉज टेन 60 की वैल्यू होती है रूट थ्री, टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है रूट थ्री, सो टेन 60 की जगह मतलब रूट थ्री की जगह टेन 60 हमने पुट अप कर लिया। सो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 90 माइनस थीटा अपॉन में 2 इज इक्वल टू 60, ये बचता हमारे पास, दैट कम्स माइनस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 60, और इस 90 को जो है हम लोग 60 के पास ले जाएंगे, तो ये माइनस में आ जाएगा, इट मीन्स इट कम्स माइनस 90, सो दैट कम्स माइनस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 30, सो माइनस से माइनस कैंसिल, सो थीटा कम्स 2 इंटू 30 इज 60, बिकॉज 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो थीटा कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, सो इट मीन्स थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है 60, थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 60, ओके। अब हमें निकालना है cos थीटा, तो दैट मींस कि cos 60 की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो cos 60 कम्स कितना होता है 1/2, cos 60 मींस 1/2, तो यही हमारे पास आंसर आ गया। नाउ सी द क्वेश्चन, sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू हाफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा, ओके। नाउ सी हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, आपके पास लिखा हुआ है सिंपल बेसिक सिंप्लीफिकेशन लगाना, कोई ऐसी बात नहीं है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। सो इसको हम क्या करते हैं, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ, इसे हम कर लेते हैं स्क्वेयरिंग, इसे हम क्या कर लेंगे स्क्वेयरिंग कर लेंगे, अब मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्ट कर ले रहा हूं, ठीक है। ये हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/4 स्क्वायर करने पे, ओके। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, पहले भी बता चुका हूं, इसकी आइडेंटिटी होती है 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4, तो इसे आगे सॉल्व कर लेंगे तो इट कम्स माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4, अब ये 1 इधर आके माइनस में हो जाएगा, सो इट कम्स माइनस 1, दैट मीन्स माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू दैट कम्स माइनस 3/4, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं एलसीएम लेके 4, तो इट कम्स माइनस 3/4, सो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, दैट कम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, 2 आगे है इज इक्वल टू 3/4। अब देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू, सो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, तो हम इसे कुछ भी एक पुट अप कर लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है, और इसे भी स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, तो इसे भी अगर हम स्क्वेयरिंग कर ले, सो दैट गिव्स अस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए स्क्वेयर, आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, प्लस बी स्क्वेयर जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब जो है आपको अच्छे से पता है कि इतने की वैल्यू हो जाती है 1, जैसे कि अभी मैंने बताया था यहाँ पे, ठीक उसी तरीके से ये भी 1 हो जाता है, ठीक है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा हुआ है उसकी वैल्यू यहाँ पे भी दे रखी है, दैट गिव्स अस 3/4, सो यहाँ पे हम लोग पुट अप कर लेते हैं 3/4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो इट कम्स, अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ 4 आता है, so it comes 4 or 4 ones are 4 plus 3 that comes
सेवन, यानी कि आ जाता है सेवन बाई फोर इजल टू एक्स स्क्वायर। सो देयर फोर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये स्क्वायर इधर आके रूट में बन जाएगा। सो दैट कम्स अंडर रूट सेवन अपॉन फोर मीन्स अंडर रूट सेवन अपॉन टू। सो एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, रूट सेवन अपॉन टू, ठीक है। और मैंने इसको क्या पुटअप किया था, इसको मैंने एक्स ही पुटअप किया था यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। सो दैट मीन्स कि इसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास रूट सेवन अपॉन टू। सो दैट मीन्स ऑप्शन थ्री इज आवर करेक्ट आंसर। यू गॉट माय पॉइंट। बस यहाँ पे हमने एक्स को पुटअप करके आगे सॉल्व कर लिया, और ये बेसिक सिंप्लीफिकेशन, ये सारा का सारा बेसिक सिंप्लीफिकेशन आप इजिली कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन। R sin theta is equal to 7 upon 2 and R cos theta is equal to 7 root 3 upon 2. Then the value of R is. तो क्या करना है हमें, कैसे पता लगेगा, प्रैक्टिस कीजिए मैक्सिमम टाइम्स, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मैं बार बार कहता हूँ। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसे हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, और हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। तो ऐसा करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ आर साइन थीटा और ये जो आर कॉस थीटा है, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, और ऐसे ही आरएचएस में जो लिखा हुआ है इसको भी स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। दैट गिव्स अस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेवन अपॉन टू कॉस स्क्वायर प्लस सेवन रूट थ्री अपॉन टू का स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग से। तो अब क्या करेंगे हम, ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कॉमन आउट ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आर स्क्वायर हमने कॉमन आउट ले लिया, तो अंदर बचा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बच गया हमारे पास, ओके, इज इक्वल टू, इसे अगर हम सॉल्व करते हैं सो इट कम्स सेवन सेवन जा 49 अपॉन 4, 2 2 जा 4 प्लस ये जो सेवन रूट थ्री है इसको अगर स्क्वायर करते हैं तो सेवन सेवन जा 49 और रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, तो 49 थ्री जा 147, सो दैट कम्स 147 अपॉन 2 2 जा 4, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा प्लस 4। सो अब आपको अच्छे से पता है, अभी मैंने काफी सारे क्वेश्चंस में ये आइडेंटिटी बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इनटू 1 हो गया ये, इज इक्वल टू इसमें एलसीएम आ जाएगा 4, तो ऊपर आ जाएगा 49 प्लस 147, so R square is equals to, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मेरे को मिलता है 689, that comes 196 by 4, therefore R is equals to under root 196 upon में 4 आ जाएगा। आपको अच्छे से पता है कि square equal to के opposite में आके square root बन जाता है, so that means 196 का square root होता है हमारे पास 14 और स्क्वायर रूट होता है 2, सो दैट कम्स 2 7 14, देयरफॉर आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 7। मैंने बिल्कुल बेसिक सिंप्लीफिकेशन के साथ बताया है, कहीं कोई इधर उधर शॉर्टली नहीं बताया, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ मैंने चीज को क्लियर किया है, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट के साथ बात को समझिएगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इसका फर्स्ट स्टेप था, जिसे ये स्टेप पता है वो सारे स्टेप इजिली सिंप्लीफाई करके आर की वैल्यू 7 बता सकता है, ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, इसका मतलब ऑप्शन डी यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसी के साथ आज का सीरीज मैं ओवर कर रहा हूं, इन्हीं क्वेश्चंस को आप मैक्सिमम टाइम्स रिवाइज करते रहिए। जिन्होंने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है वो डेफिनेटली मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाए, वहां पे सारी वीडियोस मैंने सीरियल ऑर्डर में चैप्टर वाइज दिया हुआ है, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एनटीपीसी आरआरबी में पूरी तरीके से आपको मदद करेंगे, राइट। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था, मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा एंड डेफिनेटली शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करके पढ़ने का मजा ही कुछ और है। मैक्सिमम पीपल के साथ आपका कंपटीशन होने वाला है, तो पहले से शेयर करके पढ़िए, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगा, राइट। आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, जब तक आप इन्हीं सारी वीडियोज को और इन्हीं सारे क्वेश्चन को रिवाइज करते रहिए। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।